सो हेलो माय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कैसे आप फ्री फायर गेमिंग थंबनेल बना सकते हो या फिर ए टू जेड किसी भी गेमिंग से रिलेटेड आप थंबनेल बना पाओगे। तो यार सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीव्यू, ऐसे थंबनेल जो हैं आप कैनवा एप्लीकेशन की मदद से बना पाओगे। बहुत ही कमाल के थंबनेल हैं भाई, आपको किसी भी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर सारे टेम्पलेट आपको फ्री में मिलते हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा हूँ थंबनेल्स के, ये रहा, और कुछ इस टाइप के, कुछ इस लुक में। अलग अलग तरीके के आप थंबनेल बना पाओगे, अलग अलग डिज़ाइन के थंबनेल बना पाओगे। सारी टेम्पलेट्स डिज़ाइन फ्री में मिलती हैं, केवल आपको लोगो एडिट करना, नाम एडिट करना, बाकी अपना लेटर आपको इटैलिक करना, बोल्ड करना, मैं आपको सिखाऊंगा, यही बस यही करना होता है। बाकी टेम्पलेट फ्री में मिलते हैं और कुछ भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं कैसे आप एक कमाल का दमदार एकदम प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। तो भाई इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे और कैनवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अगर आपके पास नहीं है। जैसे आप कैनवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे, आपके सामने अब इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर वीडियो ध्यान से देखना है और छोटा सा एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दिया करो ताकि कभी मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको, मतलब नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। देखो जैसे ही आप कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको केवल इंटरनेट की जरूरत होगी, बाकी आपको थंबनेल बनाना नहीं आते, कभी भी लाइफ में थंबनेल नहीं बनाया। तो देखना अभी इससे अच्छा, जैसे अभी मैं थंबनेल दिखा रहा था ना, इससे भी मस्त थंबनेल आप बना पाओगे एक बार में। और यहाँ पर किसी के भी थंबनेल बना सकते हो, कोई भी आपका रिलेटेड गेमिंग चैनल हो, किसी से रिलेटेड ब्लॉग हो, टैग हो, इंटरनेट किसी से भी, और बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी आप एक बार देखना जरा कैसे मैं एक कमाल का गेमिंग थंबनेल बनाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा इस लाइन में नीचे, देखो YouTube थंबनेल। तो यहाँ पर YouTube थंबनेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च करना है, सर्च बार में जहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर आपको लिखना है अपना जो भी चैनल है, लिख लो। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल गेमिंग से रिलेटेड थंबनेल बनाना है, फ्री फायर या BGMI से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो को, तो यहाँ पे आपको लिखना है गेमिंग यूट्यूब थंबनेल। जैसे आप गेमिंग यूट्यूब थंबनेल लिखोगे, यहाँ पे आपको देखो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे, जैसे सर्च कर दो, जैसे सर्च करोगे बहुत सारे देखो गेमिंग थंबनेल्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो कुछ थंबनेल यहाँ पर पेड मिलते हैं, कुछ बहुत सारे फ्री में मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। देख सकते हो कि गेमिंग थंबनेल्स आने लगे हैं, बस यहाँ पर कैसे आपको एडिटिंग करनी, बस ये चीज़ देखनी है। तो आप देख सकते हो कमाल कमाल के। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए आपको एक थंबनेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये वाला थंबनेल है, टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मुझे थंबनेल बनाना है। देखो थंबनेल क्वालिटी बहुत ही कमाल की है और जो डिज़ाइन है, शायद आपको ऐसा टेम्पलेट कहीं भी देखने को मिले, ऐसा थंबनेल आप पूरे चैनल पे कहीं भी अपने यूट्यूब पे नहीं देख पाओगे। बस यहाँ पर ये तो ऐसा ही है, और भी बहुत सारे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे टेम्पलेट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या है, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको डबल टैप करना है। देखो ये सिलेक्ट हो चुका है, एक बार और टैप करना है। अब यहाँ पर इसको कट कर देना है। जो भी आपका चैनल का नेम, यहाँ पर जो भी आप नाम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हंटर। हंटर लिखने के बाद यहाँ पर अभी आप देखना, ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो अगर आप इसको मोटा करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो फॉन्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो फॉन्ट पर क्लिक करो एंड यहाँ पर इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। जैसे आप इसको ब्लैक जो स्टाइल बदलोगे, तो ये देख लो इसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुकी है और ये पूरा सही दिख रहा है। ऐसे आप इसी लेटर पर क्लिक करना है और इस पर भी जो भी आप नाम डालना चाहो वो भी आप नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AJGamingYT। तो यहाँ पर AJGamingYT मैंने लिख लिया है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा रिसाइज, ठीक है। एंड इसको भी लेटर जो है, मैं इसका भी लेटर बदल दूँगा ताकि थोड़ा सा ये बड़ा दिखे। फॉन्ट पर गया और इसका भी यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक, नैरो ब्लैक करके है ये फॉन्ट। और जैसे यहाँ पे आप नैरो ब्लैक सेलेक्ट करोगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और इस तरीके से यहाँ पर इसको एडिट कर दूँगा, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट है, इस तरीके से आपको लगा देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको अगर कलर्स चेंज करने, ये जो कलर्स हैं, कलर्स का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर देखो कलर का ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे कोई सा भी आप कलर ले सकते हो, इस टाइप का ये कलर, और यहाँ पर बहुत सारे कलर आप देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद फॉर्मेट पे आप जाओगे तो इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज पे जाओगे तो आप जानते हो इसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। एंड फॉन्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो ये कर सकते हो। अब यहाँ पर मान लो आपको कुछ और लिखना है, ये जो PNG है, PNG जो यहाँ पर आपको अपना लोगो लगाना है या किसी का भी PNG लगाना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है इस PNG पे, जो ये PNG है,
और जैसे ये देखो सिलेक्ट हो गए चारों तरफ से बॉक्स आ गया बनके। अब इसके बाद नीचे देखो जो प्लस का आइकन है यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है, गैलरी में जाना है और जो भी आपने PNG अपना गेमिंग चैनल का लोगो या जो भी आप PNG यहाँ पर लगाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं गैलरी में आ चुका हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ एक PNG। तो यहाँ पर मैं इस वाले PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे आप PNG को सिलेक्ट करोगे ऐड टू पेज यहाँ पर लिख के आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे एंड इसके बाद ऐड टू पेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद ये जो PNG आप वहाँ पर आ जाएगा कुछ इस टाइप से, देख सकते हो आप। अब इसको आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है वहीं पे उसी जगह पर जैसे ही आप रखोगे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा। देखो ऑटोमेटिक ये चला गया है और फिट हो चुका है। इसी टाइप से आप इस PNG को भी सिलेक्ट करके कोई दूसरा PNG लगाना चाहो लगा सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको कुछ और लिखना है तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लस का जो आइकन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखो टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ गया है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप पहले तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्लो को एंड ग्लो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है फ्री फायर या जो भी आप कस्टम कलर्स उसको ऐड या जो भी BGMI जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ यानी कि सब कुछ हो जाता है। और जो टेम्पलेट्स के डिज़ाइन है बस ये आपको फ्री में मिल जाती है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती हैं। और भाई ऐसे टेम्पलेट शायद आपको कोई और प्रोवाइड करवाए फ्री में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई जो नए बंदे हैं। और नए बंदे की बात छोड़ो भाई, ऐसे थंबनेल आपको शायद भाई यूट्यूब पे कोई भी लगाते हुए मिले, मुझे तो नहीं लगता इतने कमाल के इतने गजब के क्लिक बैट थंबनेल कोई बना पाएगा। तो यहाँ पर पहला वीडियो शायद यूट्यूब पर ही होगा। तो कलर कुछ डिसमैच कर एक सा लग रहा है तो यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कलर चेंज कर देंगे क्योंकि कलर भाई रेड रेड है तो यहाँ पर कलर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चलो हम कलर ये ले लेते हैं या ये लेते हैं। ठीक, चलो ये सही लग रहा है ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर इटैलिक इटैलिक बढ़ गया तो मैं आपको बता ही देता, अगर आपको इसको जिस टाइप का फॉन्ट लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। और लगाने के बाद जैसे आपका रेडी हो जाए लिख लिखा के जो भी आप लिखना चाहते हो, वैसे ऐसे ही बहुत खराब कमाल का लग रहा है। इसके बाद एरो पे ऊपर क्लिक करना है एंड इसको क्या कर लेना है आपको इंस्टॉल मतलब सेव कर लेना है। तो भाई आपका जो थंबनेल है मैं आपको दिखा देता हूँ, रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो भाई, जल्दी से लाइक करो यार प्लीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये देखो मैं थंबनेल रेडी किए थे और कुछ आपको थंबनेल्स मैंने पहले भी दिखाए थे तो ये देख सकते हो बहुत अलग अलग डिज़ाइन से मैंने यहाँ पर क्रिएट किए, अलग अलग टेम्पलेट को लेकर क्रिएट किया। तो ऐसे आप टेम्पलेट ढूंढ लेना उसी लाइन में जहाँ पर मैंने बताया था, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको बहुत सारे थंबनेल्स मिलते चले हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टेम्पलेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके गेमिंग यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये टेम्पलेट सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर गेमिंग यूट्यूब थंबनेल बहुत सारे थंबप्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन आपको करना है। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे यहाँ पर देखो स्क्रॉल डाउन आपको जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, देखो ये है आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाओगे और बहुत देख सकते हो कितने सारे डिज़ाइंस आपको मिल रहे हैं यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर गेमिंग थंबनेल बहुत सारे आपको गेमिंग थंबनेल्स के टेम्पलेट्स फ्री में मिल जाएंगे। तो भाई जिसको चाहें आप बना सकते हो।